नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम और मेरे साथ यहां पर है फिल्म हमारे 12 के स्टार्स। जी हां, वो स्टार्स जो पर्दे पर नजर आते हैं और वो स्टार्स भी जो पर्दे के पीछे जिन्होंने दिन रात मेहनत की इस खूबसूरत सशक्त फिल्म को पर्दे पर उतारने के लिए। और मेरे साथ जो यहाँ पर बैठे हैं ना अनु कपूर जी, वो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। उनका इंट्रोडक्शन करवाना मतलब सूरज को दिया दिखाने जैसा है। अनु कपूर जी हमारे साथ हैं, पारितोष जी हमारे साथ थिएटर बैकग्राउंड से अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। हमारे साथ फिल्म के प्रोड्यूसर हैं रवि जी, कमल जी हैं जिन्होंने फिल्म को डायरेक्ट किया है, यानी कि इन्हीं के इशारों पर ये स्टार्स नाचे हैं। और साथ ही यहाँ पर जो भारी भरकम पर्सनालिटी है ना, जो वजनदार बात करती है, वो है फिल्म के प्रोड्यूसर बीरेंद्र जी भी। देखिए, हमारे 12 जो फिल्म इन सब है ना, विवादों में भी नहीं है, सुर्खियों में भी नहीं है, लेकिन हर तरफ बनी हुई है। विवादों में इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि ये फिल्म एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए बनाई गई है, इसलिए जो विवाद खड़ा कर रहे हैं वो विवाद निराधार है। फिल्म की अगर हम मैं वेटेज की बात करूं तो फिल्म को कैंस में स्टैंडिंग ओवेशन मिला हुआ है। समझ सकते हैं आप, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर फिल्म को सराहा जा रहा है, लेकिन फिल्म को अपने देश में किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है, किस सोच के साथ फिल्म को उतारा गया है, उस पर हम बात करेंगे फिल्म के इन स्टार्स से ही। सबसे पहले अनु जी, आपसे शुरुआत करते हैं। जी, सीनियर मोस्ट को इतना मान देने के लिए बहुत शुक्रिया। सीनियर मोस्ट होते ही मतलब बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापे में कदर कर रहे हो। फिल्म हमारे 12 एक पारिवारिक कहानी है। उस परिवार का मुखिया मैं हूँ, उसका नाम है उस्ताद मंजूर अली खान संजरी, जिसके 11 बच्चे हैं। इन 11 बच्चों की तालीम और तरबियत का नज़रिया उसका अलग है, बेटों के लिए उसका रवैया, उसकी कैफियत कुछ और है, बेटियों के लिए कुछ और है, अपनी बीवी के लिए कुछ और है। और इस तरह की कहानी को गूंथ कर, सलाइयों से कढ़ बुनकर डायरेक्ट किया है श्री कमल चंद्रा ने। ये लुब्बे लुबाब है मेरी फिल्म का। जी कमल जी, किस शॉट के साथ क्या विजन था फिल्म को जब पर्दे पर उतारने के बारे में सोचा गया? बहुत अच्छा मुद्दा है एक्चुअली। माइक तो मेरा हथियार है ना। बहुत अच्छा मुद्दा है, लेकिन एक बात बताऊंगा, जब हमने शुरू की थी फिल्म तो बड़े अच्छे अच्छी नीयत से की थी, बड़ा खुश होके गए थे कि चलो आएंगे, बढ़िया सा एक मैसेज देंगे दुनिया को और बताएंगे भाई पॉपुलेशन मुद्दा है बड़ा, उसको सोच समझ के आगे बढ़िए, हमारी जो हमारा देश है बहुत आगे निकल चुका है, नंबर वन हो चुके हैं। लेकिन जब हम लोग रिलीज़ पर आए और ऐसा सब देखने को मिल रहा है तो बड़ा दिल दुख हो रहा है सच में। इतनी ज़्यादा थ्रेट कॉल्स, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, इतने ज़्यादा बैकस्लैश मिल रहे हैं, तो मतलब अपने देश में ऐसा होगा हमने सोचा नहीं था। मतलब जिस अच्छी नीयत से हमने फिल्म बनाई थी उस अच्छी नीयत से ज़्यादा अच्छी नीयत से हम लोग रिलीज़ करेंगे, लेकिन सपोर्ट की जगह हमें बहुत नेगेटिविटी मिल रही है। हमारा इतना अच्छा मैसेज है, नेगेटिविटी तो नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैंने इसलिए शुरुआत में ही कहा कि फिल्म विवादों में नहीं है क्योंकि ये एक पॉजिटिव मैसेज देने के लिए बनाई गई है। फिल्म सुर्खियों में नहीं है क्योंकि सुर्खियों में वो चीज़ भी आती है ना जो पल भर की क्षणिक होती है। ये चीज़ यहाँ पर एक इस नीयत से बनाई गई ताकि कुछ परिवर्तन ला सके, इसलिए ये फिल्म हमेशा रहने के लिए है। बीरेंद्र जी, इस तरह आपकी पर्सनैलिटी को हम देख ही रहे हैं, जब इस फिल्म के थॉट के साथ आपके पास स्क्रिप्ट आई होगी तब क्या आया था मन में पहला ख्याल, कि मतलब डेयरिंग था या आपको लगा था नहीं करना चाहिए, इंस्पायरिंग था थोड़ी या झिझक थी? देखिए, कोई झिझक नहीं थी। ये हम लोग प्रोडक्शन हाउस में चाह रहे थे कि ऐसी कोई कंटेंट वाली फिल्म आए जो महिला सशक्तिकरण के बारे में बताएं, हमारे बच्चियों के बारे में बताएं, महिलाओं के बारे में उजागर करें। और फिल्म जब हमें इम्पा ने ऑफर किया कि कांस में भी आप लोग चलो, और कांस में ऐसी फिल्में आनी चाहिए जो वहाँ पर कांस में इस तरह की फिल्में जाती, कांस में ये फिल्में गई और वहाँ पर इसकी स्पेशल वहाँ पर प्रीमियर हुआ, स्क्रीनिंग हुई वहाँ पे, भारत पवेलियन पे वहाँ पे इनको प्लेटफॉर्म दिया गया और फिल्म के जो लोग वहाँ पे, बहुत सारे लोगों ने फिल्म को देखा और इतना कुछ अच्छा उनका मतलब मैसेज था कि फिल्म आपने एक महिला सशक्तिकरण के लिए बनाई है, पॉपुलेशन के लिए बनाया है, और पॉपुलेशन हमारे लिए आज के टाइम में पॉइजन है। पॉपुलेशन पे अगर कोई आज तक आप उठाकर देखिए, इतनी सारी मेकर्स की बहुत सारी फिल्में आई है लेकिन पॉपुलेशन पे कोई फिल्में नहीं आई है। लेकिन क्या है, लोग इसको धार्मिक रंग से जोड़ रहे हैं, धार्मिक रंग और पॉपुलेशन दोनों डिफरेंट है। ये सिर्फ एक मुद्दे की फिल्म है, कंटेंट बेस्ड फिल्म है, उसके हिसाब से फिल्म को देखें 7 जून को। अच्छा, मुझे ये कहा जा रहा है ना कि आपके हाथ कानून की तरह लंबे नहीं है तो आप माइक हैंड ओवर कर सकती है। ठीक है पारितोष, मैं आपके पास आऊंगी अब।
नहीं नहीं सर आप प्लीज बैठ ही रहिए पारितोष आप बताएं अपने अपने किरदार के बारे में बताएं। अब्बू हैं खान साहब और मैं उनका पहला बेटा हूँ, पहली संतान हूँ। और मैं एकदम जैसा होता ना कि हमारे पापा के लिए कपड़े बनते थे तो जो बच जाता था बेटे के लिए भी पैंट सिलवा दी जाती थी, मतलब एकदम नक्शे कदम पे चलता है वो। जो अब्बू जिस तरह से रखते हैं, जिस तरह के कपड़े अब्बू पहनते हैं, जिस तरह की टोपी वो लगाते हैं, ये भी लगाता है अपनी उम्र के हिसाब से। इवन लुक भी, मतलब मैंने कोशिश की थी कि अनु सर जैसे दाढ़ी रखते हैं, मैंने भी दाढ़ी बढ़ाई, बहुत टाइम लग गया, 2-3 जन्म में बढ़ाई मैंने। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं ऑफ स्क्रीन भी अब्बू ही बोलता हूँ ना, और मैं सताता भी वैसे हूँ जैसे संतान आपको सताती है। बिल्कुल, हर आदमी का पहला हीरो जो होता है वो उसके फादर ही होते हैं। हम बेवकूफ हैं जो अपना हीरो बाहर ढूंढते हैं, हमारा हीरो हमारे घर के भीतर होता है। हाँ, उसके बाद आप धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो आपके अपने अनुभव होते हैं, वो अनुभव आपको सिखाते हैं कि ये सवाल करने का मुझे हक तो नहीं है, पर कहीं हो सकता है मेरे अब्बू इसमें कोई उनसे चूक हो रही हो, तो वह हिम्मत करते करते एक दिन वो पूछ ही लेता है। तो शाहनवाज भी वैसा ही है, बिल्कुल उनके उनके संरक्षण में रहता है, उनकी उनके सानिध्य में रहता है, पर जब उसको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है, परिवार नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि टूटना जो है उसने पर्सनल लेवल पे भी झेला है। तो आपके भीतर जब कुछ टूटता है, आप देखते हैं टूटता हुआ, तो आप नहीं चाहते कि ये दोबारा हो, तो वो सवाल करता है। जैसा बहुत सारे परिवारों में हर बेटों ने, बाप बेटे की लड़ाई तो बहुत कॉमन है, और उसके मन में जो सवाल है वही दर्शकों के मन में भी सवाल है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं हम पे या जो लोग सवाल कर रहे हैं, वो सारे सवाल हमारी फिल्म में हैं, कभी मेरे किरदार के माध्यम से, कभी इनके इनके तर्क के माध्यम से उसके जवाब, कभी हमारे और भाई बहनों के मुंह से उसके सवाल, या समाज से। तो मेरा वही है कि मैं दीवाना हूँ, मैं अंत तक अब्बू का दीवाना रहूँगा, पर मैं चाहूँगा कि मेरे अब्बू में कोई कमी है तो वो भी दूर हो जाए, क्योंकि मेरा अब्बू मेरा हीरो है और हीरो ही रहना चाहिए। फिल्म में तमाम सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है ये कहा जा रहा है, लेकिन फिल्म को लेकर जिस तरह से कंट्रोवर्सी खड़ी करने की अब कोशिश की जा रही है, आप क्या कहेंगे कि किस तरह से जब आपको थ्रेट्स मिलने शुरू हुए थे, क्या मन में ख्याल आया था कि फिल्म से पीछे हटना चाहिए या नहीं हम आगे बढ़कर ही रहेंगे, बीइंग अ प्रोड्यूसर, क्योंकि आपका बहुत तो स्टेक पर होता है। ये जो फिल्म है आपको देख रहे हैं आपकी, जब हमने स्क्रिप्ट फाइनल किया था उसी समय हमें आइडिया था कि ये थोड़ा बहुत तो होगा, कॉन्ट्रोवर्सी होगा, ऐसे थ्रेट्स आएंगे, पता था हमें, आइडिया था ये चीज़ होने वाला है। और जब हमने फाइनल किया, हमने शूट किया, शूट में बहुत अच्छा शूट हुआ था, शूट में जो जितने काफ़ी लेडीज़ थी हमारी शूट में, करीबन 200 से 250 लेडीज़ होंगी हमारे शूट का, शूट होते हुए देख के जितनी भी लेडीज़ थी, सारी लेडीज़ ने, सबके आँखों में आंसू था उस वक्त, इतनी मतलब इतनी इमोशन था हमारी फिल्म के अंदर में, सब रिलेट कर रहे थे अपनी खुद की पर्सनल लाइफ से। तो अब फिल्म आप देखेंगे तो समझ में आएगा क्या है कैसे। रही बात कंट्रोवर्सी और थ्रेट्स आने की, तो वो तो आप कुछ भी नई चीज़ काम करोगे, कोई अच्छा चीज़ चेंज करोगे तो ये चीज़ें तो आपको आना ही है, और उसके लिए हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है। आप सिक्योरिटी भी मांगी गई थी आपकी तरफ से? बिल्कुल, सिक्योरिटी हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया था और हमें काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन मिला हुआ है हमारे महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट से। जिस टीज़र पे इतनी सारी बात हो रही है कि बहुत इस्लाम को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, बहुत सारे मतलब इतने सारे वीडियोज़ हम लोगों के पा रहे हैं, हमारे सर के पास में, पारितोष प्रोड्यूसर्स मेरे पास में, सब बहुत बहुत ज़्यादा गलत सलत वीडियोज़ आ रहे हैं बहुत नेगेटिविटी के साथ। लेकिन मुझे एक बात ये पूछनी है कि जो हमने जो टीज़र बनाया है तो रेफरेंस हमने वहीं से उठाए थे, यूट्यूब पर अगर आप डालिएगा कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, सैकड़ों वीडियोज़ आ जाएंगे, औरत हमल की हालत में भी ऐसा डायलॉग वो डालिए वो आ जाएंगे। तो ये जब इतने सारे वीडियोज़ उस पर पड़े हैं यूट्यूब पे, तो ये हंगामा उन चीज़ों के लिए क्यों नहीं है? आज जब हमने उन्हीं का रेफरेंस लेके एक फिल्म बनाई, उसमें कुछ ऐसे हाँ उसी का, हाँ वो भी मिरर है ना, तो आज जो हंगामा हमारे लिए हो रहा है, हमारी फिल्म के लिए हो रहा है, ये हंगामा तब क्यों नहीं हुआ? और मैं कह रहा हूँ चलो तब नहीं हुआ, अब तो देख के अब तो होना चाहिए। तो मतलब ये है कि गलत तो वो भी है, सोचने समझने की गुंजाइश तो उन लोगों के पास भी है, तो जो आवाज़ हमारे लिए उठाई जा रही है तो कुछ ना कुछ उनको भी सोचने की ज़रूरत है। आईना आप दिखा रहे हैं, सिनेमा आईना होता है, समाज का आईना हो तो कह सकते हैं, लेकिन आजकल समझ में नहीं आता कि क्या आईना क्या नहीं है। जिस तरीके से हम लोगों को थ्रेट्स मिल रहे हैं तो एक अच्छे से अच्छा इंसान भी डर जाएगा, क्योंकि है तो हम लोग ह्यूमन बीइंग है ना, कुछ भी और निकलने में डर लगेगा। लेकिन ठीक है, गवर्नमेंट हमको इतना अच्छा सपोर्ट कर रही है, लेकिन ये है कि जिन वीडियोज़ को लेके, हमारी फिल्म के वीडियोज़ को लेके इतना हंगामा मच रहा है, तो ये तो ऑलरेडी हैं,
वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, है ना, आप ये कहना चाह रहे हैं। क्या ये हमारे समाज की इनसिक्योरिटी कह लीजिए या हिपोक्रेसी कह लीजिए, इसको रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है कि जब तक अनु कपूर अच्छी अच्छी बातें बोलते रहे तब तक अनु कपूर सबके चहेते थे, लेकिन जब अनु कपूर ने सच लेकिन कड़वा सच बोलना शुरू किया तो उनको लेकर सवाल उठाने लगे, हर तरह की बयानबाजी होने लगी। अनु कपूर की तो कोई औकात ही नहीं है, आप तो युग युगांतर से बात कीजिए। ईसा को सलीब पे चढ़ा दिया जाता है, गौतम बुद्ध हुए हैं वो भी तो सत्य बोल रहे थे, महावीर हैं वो भी सत्य बोल रहे थे, जिसने भी सत्य बोलने का सत्य का मार्ग चुना उसको तकलीफें झेलनी पड़ी हैं, ये कोई नई बात नहीं। और मेरी तो कोई हस्ती नहीं, मेरी कोई औकात ही नहीं है, बोलने दीजिए जिनको बोलना है, लेकिन इतना ही है कि वो जो बोल रहे हैं वो उसका आधार तर्क नहीं है क्योंकि उन्होंने फिल्म देखी नहीं है। ये पहले फिल्म देखें फिर अपना कमेंट करें। ये चीज मुझे भी समझ नहीं आती, कई बार क्या होता है कि बस हम लोग ट्रेलर देखकर टीजर देखकर ही एक अपने मन में जो होता है ना उसी को समझ लेते हैं कि यही होने जा रहा है, बिना डिसाइड किए हम बिना देखे हम लोग बन जाते हैं कि हम सीधे फैसला सुनाने लगते हैं। कमल, मैं आपसे समझना चाहूंगी, अब जब इस तरह की स्टोरीज की बात होती है और आपने कहा कि रेफरेंसेस ऑलरेडी वहां पर थे, है ना, आपने वो पिक किए हैं, उनको पिरोया है एक तरह से इस कहानी में, लेकिन जब हमारे भी कुछ ऐसे धार्मिक गुरु हैं हर धर्म में जो इस तरह का प्रवचन देते हैं कि नहीं, अगर आपको धर्म को बचाना है तो आपको जनसंख्या वृद्धि करनी होगी, उनके लिए क्या कहेंगे? मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात कोई करता है, मुझे मैंने तो आज तक नहीं देखा है कि धर्म को बचाना तो जनसंख्या वृद्धि करनी पड़ेगी। बात सबसे बड़ी ये है कि जनसंख्या वृद्धि सही है या गलत है, हमारी जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है देश की, पूरी दुनिया में नंबर वन हम हो गए, बिल्कुल गलत है। तो मतलब, और इसके लिए मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जिम्मेदार है, आप हिंदूज में भी बहुत सारे बच्चे हैं, सारे सारे धर्मों में बहुत सारे बच्चे हैं। हमने कभी ये बात कहने की कोशिश ही नहीं की है कि भाई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी बच्चों के लिए जिम्मेदार है, किसी के भी ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम उनको बोल रहे हैं। एक एक मुस्लिम फैमिली की कहानी है, क्योंकि एक फिल्म बनाने के लिए कहानी को चुनना पड़ता है, उसमें कुछ ना कुछ तो धर्म होगा, अगर हम हिंदू के लिए बनाएंगे तो हिंदू फैमिली लेनी पड़ेगी, मुस्लिम क्रिश्चियन कुछ भी होगा, तो उसको मुद्दा ना बनाएं, क्योंकि ये एक कम्युनिटी की कहानी नहीं, एक परिवार की कहानी है, जिस परिवार के मुखिया हैं मंजूर अली खान संजरी साहब। आपका किरदार है उसके डायलॉग्स को लेकर भी आपत्ति जाहिर की जा रही है। मेरे डायलॉग? लेकिन वो डायलॉग वो हैं जो उनका रेफरेंस वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। कमल बाबू ने जो मुझे कैरेक्टर दिया है वो अपने रिलीजियस डॉक्ट्राइन के ऊपर चलने वाला कैरेक्टर है, वो इधर उधर लहराने वाला कैरेक्टर नहीं है, वो कायम एक कैरेक्टर है और उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी दिमागी परवाज है और उसके अपने अकीदे हैं, उस अकीदे से वो इधर उधर नहीं जा सकता। तो उसने वही सही बात बोली है, शौहर मजाज खुदा होता है और खुदा के खिलाफ जाना कुफ्र है और कुफ्र की एक ही सजा है मौत। मैं डॉक्ट्राइन रिपीट कर रहा हूं। और बाकी बची एक बात ऐड करना चाहता हूं, मन में आया तो मैंने कहा बोले, और मैं बहुत खुश हूं कि हमारे हमारे रवि जी ने, हमारे परितोष भाई ने, हमारे कमल भाई ने, हमारे बीरेंद्र भगत जी ने, देखो बी भी लिखा हुआ है, बी से बीरेंद्र और बी से भोले, बहुत भोले हैं। ये जो पॉपुलेशन की बात है ये कितनी यूनिवर्सल है इससे हमें मतलब नहीं है, आप पूरी दुनिया का ठेका मत लीजिए, पहला ठेका आप लीजिए इसका नहीं, ठेका मतलब जिम्मेदारी का मैं दिल्ली बैठा हूं तो ये ठेका मतलब जिम्मेदारी का एहसास, सबसे पहले अपने परिवार का, उसके बाद अपने मोहल्ले का, उसके बाद अपने समाज का और उसके बाद अपने मुल्क का, अपनी मातृभूमि का। आप मुझे मतलब नहीं है कि अमेरिका में क्या हो रहा है, मुझे मतलब नहीं है इंग्लैंड, मुझे सर्वप्रथम मतलब है मेरे देश के अंदर क्या हो रहा है, मेरे देश की क्या जरूरत है, और मेरे देश की जरूरत है कि जनसंख्या पर वृद्धि के ऊपर रोक लगनी चाहिए। अभी इसराइल को उसकी जरूरत नहीं है, इसराइल को जरूरत नहीं है, छोटी सी कंट्री है, पांचों तरफ से शत्रुओं से घिरी हुई है, अगर वो जनसंख्या वृद्धि के ऊपर रोक लगाने लगे तो वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए वहां पर एक स्त्री जब 12 बच्चे पैदा करती है तो उसे मदर का तमगा दिया जाता है और उसका सम्मान किया जाता है, वहां पर इसराइल के अंदर ऐसी महिला को, ऐसी माता को किसी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। मैं इसराइल गया हूं, देखिए आप, इसराइल और जापान से ज्यादा बड़े
और परम देशभक्त आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। राष्ट्र प्रथम। जब अनुज जी ने डायलॉग बोलना शुरू किया ना, मैं सब कुछ भूल गई आपकी अदायगी, तलफ्फुज, और इसके मुरीद तो हर कोई हम सब हैं यहाँ पर, लेकिन ये बताइए कि जो ये जोश है आपका, ये एनर्जी है, वो आप मेंटेन कैसे करते, क्योंकि एक वक्त के बाद ना सब कुछ अचीव करने के बाद थोड़ा स्टैग्नेशन आता है, बोर्डम आ जाती है। मैंने कुछ अचीव नहीं किया, ना कछु किया न करी सका, न करने जोग शरीर, ना कछु किया न करी सका, न करने जोग शरीर, जो किया सो हर किया, भय कबीर कबीर। मैंने कुछ नहीं किया, मेरी औकात ही नहीं है, मेरी हस्ती ही नहीं है कुछ करने की। मैं बस जितने देर दिन हूँ, आपने कैमरा लगाया तब भी बोलूँगा, कैमरा नहीं लगाया तब भी बोलूँगा। और ये बेचारे बड़े डरे हुए हैं सब, पुलिस सिक्योरिटी, सुनिए पुलिस सिक्योरिटी मिल गई है सारे की सारी, लेकिन मैं तो एक बोलता हूँ, जिस गोली पे मेरा नाम लिखा है अगर वो मेरी जानिब आती है तो आप बचा नहीं सकते, और जिस गोली के ऊपर, जिस खंजर के ऊपर मेरा नाम नहीं लिखा, किसी का बाप कुछ नहीं कर सकता मेरा, समझे आप। ये मौजजा अभी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, कतील शफाई के गजल याद आ गई मुझे, ये मौजजा भी मोहब्बत, मौजजा कहते चमत्कार को, ये मौजजा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, कि संग तुझको लगे और जख्म आए मुझे, कि चोट पत्थर तुझ पे पड़े और जख्म मुझ पे, चोट मुझको आए। ये मौजजा भी मोहब्बत कभी दिखाए मुझे, कि संग तुझ पे गिरे और जख्म आए मुझे, बरंगे ऊद मिलेगी उसे मेरी खुशबू। आपने पूछा ना, मैं तो खुशबू देने के लिए आया हूँ, दुनिया के बेहतरीन परफ्यूम इस्तेमाल नहीं करता हूँ मैं, वैसे भी खुशबू है एक व्यक्तित्व की सुगंध है। हाँ जी बिल्कुल है, बरंगे ऊद मिलेगी उसे मेरी खुशबू, वो जब भी चाहे बड़े शौक से जलाए मुझे। वाह क्या कह दिया आपने। पारितोष, सामने अनुजी थे, कैसे प्रिपेयर किया आपने अपना कैरेक्टर? मैंने बताया ना कि एकदम वही जैसे आपके घर के अभिभावक होते हैं, जैसे आपके सीनियर्स होते हैं, उन्होंने ये कट के बाद ज्यादा अब्बू रहते थे। हाँ, और नहीं नहीं मतलब डरते नहीं थे, अरे इनके रूम में आप जिस तरह की पार्टी चाहो कर लो पर चक्कर ये कि सारी मेरी बहनें थी तो और कोई पार्टी हम कर नहीं सकते थे हम लोग गाना करते थे, खाना खाते थे। सर ने हम लोगों को कितनी बार लंच पे खाना खिलाया, रवि जी के बहुत सारे पैसे लंच पे इन्होंने खर्च कर दिए हमें पार्टियां करवाई इन्होंने, हमें सिखाते थे शॉर्ट से, पहले हम लोग साथ में रीडिंग करते थे, कमल जी वहाँ होते थे, वहीं कोई चीज़ क्रिएट कर रहे होते थे हम लोग, और ये सर हमें भरोसा देते थे कि एक बार फिर से बोल लो, नहीं नहीं ये शब्द अटक रहा है यहाँ पे, इसमें ये ज नहीं, ये ज, ये इसको ये रखो, हर चीज़ पे, परफॉर्मेंस पे भी, कि अगर कोई शब्द तुम्हारे मुंह में अटक रहा है, कोई एक झलक बस, वो फिल्म देखिए। नहीं नहीं फिल्म जरूर देखिएगा, 7 जून को पूरी फिल्म को जरूर देखिएगा, लेकिन कोई आप थोड़ा सा बहुत सीरियस सीन है, और मैं मोस्टली कॉमिक कैरेक्टर्स करता हूँ, बहुत सीरियस है। सामने अनु सर, वो पहली बार मेरा और पुत्र के बीच मैं पहली बार बागी हुआ है लौंडा वहाँ, तो वो एक था कि किरदार एकदम पूरा 360 चेंज हो रहा था मेरा। और आप सोचो ना कि एक शाहनवाज है जो अपने अब्बू से ये बात कहता है, और एक परितोष है जो इनका फैन है, जो मुझे पे चिल्लाए हैं परितोष, अरे बाप रे, बेटा सबसे बड़ा बेटा, जो मेरा फर्जंद खास है, जो मेरे दिल के करीब है, जो मेरा चश्मे चिराग है, कि जिसके ऊपर मेरे खानदान की पूरी पूरी वसीयत टिकी हुई है, वो मुझ पर पलट के जब चिल्लाता है और मैं खामोशी। और आपको पता है मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मैं सर को देख रहा था, इनके रिएक्शन को देख रहा था, हमारा बनता गया और हुआ कि हो गया। तो कमल सर आए अनु सर के पास कि अच्छा, सर ने बोला कि हो गया, अब नहीं होगा दोबारा। मैंने कहा अब नहीं हो सकता। अच्छा खासा बड़ा कुछ 5-6 मिनट का संवाद है जिसमें 1-to-1 चल रहा है, और बहुत डिफिकल्ट था, बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा टचिंग सीन है वो, मतलब भावनाओं को झकझोर देने वाला है ना। वीरेंद्र जी एक सवाल मेरा आपसे वहां पर था, बॉस अगेन वही वाले, परिवार दिख रहा है, परिवार की कहानी है,
बिल्कुल, इस फिल्म को फिल्म की तरह नहीं बल्कि एक परिवार की, जिसमें कुछ कमियां हैं वो कमियां दिखाने की कोशिश की जा रही है, कैसे वो संवाद हो रहा है, लेकिन एक इंसान की सोच है बस, और क्या है, समाज की सोच तो नहीं, और बड़ी बात यह है कि वो इंसान अपने आप को गलत नहीं मानता है, जो अपने आप को हर बात पर सही मानता है उसे गलत साबित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उनके तर्क हैं, मतलब अब्बू के तर्क हैं, वो पढ़ा लिखा बंदा कव्वाल है, तो शायरी शेरो शायरी की समझ है, उनको पता है, अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा है उन्होंने, वो हर चीज़ पता है उनको, अपने दीनों ईमान की तालीम ली है उन्होंने, और प्रैक्टिकल हैं बहुत, मतलब बाहर रहे ना, शोज करते हैं, लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं, हर चीज़ पता है, तो उन उस आदमी को कहना कि आप रॉन्ग हो, तो वो आदमी अपनी पूरी ताकत लगाएगा ना अपने आप को डिफेंड करने के लिए, यही तो होता है, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा है ना, वो अपनी जो उसकी तरबियत है, जो सोच है, शिक्षा है, जो हाँ जो बचपन से सीखता आया, जिन मूल्यों पर वो जीता है, वो उसको सही साबित करना है। वीरेंद्र जी, कंट्रोवर्सी जब एक फिल्म के साथ जुड़ती है तो कहा जाता है कि वो कंट्रोवर्सी फिल्म को बूस्ट भी करती है, हेल्प भी करती है, और अक्सर प्रोड्यूसर्स को, स्टार्स को उस चश्मे से देखा जाता है कि जानबूझकर चाह रहे हैं कि कंट्रोवर्सी हो जाए। सबसे पहले मैं बताऊं, कंट्रोवर्सी के लिए तो हम लोग चाहते ही नहीं है, और हम लोगों ने सिर्फ एक मुद्दे की बात कही है, मैंने अभी पहले भी कहा, महिला सशक्तिकरण की बात कही है पीछे, जबकि मैं पॉलिटिकल लोगों का बड़ा कम, मैं भी न्यूज़ देखता हूं, लेकिन मैं एक न्यूज़ देख रहा था तो मेरे को एसी साहब का एक न्यूज़ दिखा, उन्होंने बोला, वैसी साहब का, उन्होंने बोला कि मेकर्स ऐसी फिल्में बनाते हैं, पहले उन्होंने केरल स्टोरी बनाई, फिर उन्होंने एक फिल्म कश्मीर फाइल बनाई, और फिर ज़्यादा बच्चा पैदा करेंगे वैसी एक फिल्म बनाई। तो अगर तुम फिल्म बनाते हो सिर्फ कमाने के लिए, तो इससे अच्छी है कि तुम हम लोग का थूकी क्यों नहीं चाट लो, तो वो एक कंट्रोवर्सी नहीं है। वो क्या कह रहे हैं आप देखिए ना, अगर वो बातें हम अगर आकर कैमरा के सामने बोले, वो बोले, तो उस बात को भी कॉन्ट्रीवर्सल के नज़र से देखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग किसी भी धर्म को, कोई हमारा, हमारी प्रोडक्शन हाउस का, हमारे सारी टीम का, कहीं से भी किसी भी धर्म को किसी भी तरह के ठेस पहुंचाने का ये उद्देश्य नहीं है। सिर्फ एक मकसद है कि ये फिल्म हमारे बारा पॉपुलेशन पर बनी है, सिर्फ पॉपुलेशन के नज़रिए से देखा जाए, क्योंकि आपका क्षेत्रफल डे बाई डे बढ़ नहीं रहा है। 1990 में कितनी आपकी पॉपुलेशन थी, 2024 में कितनी पॉपुलेशन है, आप उठाकर देखिए आज 50 सालों में कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है। अगर आप कंट्रोल आज नहीं करेंगे, क्योंकि उस टाइम कुछ और था, क्षेत्रफल क्या था, ज़्यादा था, आबादी कम थी, आज क्षेत्रफल तो उतना ही है। आप आज US का क्षेत्रफल देखिए, 30 करोड़ है, पॉपुलेशन 30 करोड़ है, लेकिन क्षेत्रफल हमारे से 10 टाइम ज़्यादा है, लेकिन आज हमारा क्षेत्रफल उससे 10 टाइम कम है, पॉपुलेशन 150 करोड़ है। तो एक अगर आवाज़ अगर कोई नहीं उठाएगा, और आवाज़ तो उठाना ही पड़ेगा, और आवाज़ उठाकर वो कहाँ जाएगा, मीडिया एक मिरर की तरह है। वो लोग मेकर्स क्या करते हैं, एक मैसेज देते हैं आपके मतलब जरिए, कि एक अच्छी फिल्म बनाना या कोई स्टोरी को रिवील करना, कि वो जन जन तक पहुँचे और उस मैसेज को वो देखे और मैसेज से कुछ सीखने के लिए कोशिश करें। एक टीचर क्या करता है, वो सिखाता है, और उस तरह से ये फिल्म ये एक मैसेज दे रही है कि अगर आपके 2 बच्चे होंगे तो आप उसका केयर टेक अच्छे से करोगे, 10 बच्चे होंगे तो आप उसका केयर टेक अच्छे से नहीं करोगे। मुद्दा इस्लाम, इस्लाम की बात कर रहे हैं कि इस्लाम के लिए हम लोगों ने फिल्म बनाई है, मुस्लिमों के लिए बनाई है। ये फिल्म हमारी, आपको बताएं कि ये ओमान में रिलीज हो रही है, ओमान एक मुस्लिम कंट्री है, ठीक है, वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है, UK में रिलीज हो रही है, US में हो रही है, कनाडा के अंदर में हो रही है, ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, न्यूजीलैंड में हो रही है, और बहुत सारी कंट्री में हो रही है, वहाँ भी मुसलमान रहते हैं, वहाँ उन्होंने तो कोई प्रोपोगंडा नहीं कहा, वहाँ भी उनको रोड पे आ जाना चाहिए था, पोस्टर जलाना चाहिए था, सर कत्लेआम करना चाहिए था, क्योंकि वो वहाँ एजुकेशन की बात होती है। उन्होंने कहा कि नहीं, फिल्म मेकर्स हैं, उन्होंने एक कहानी बताई है, उस कहानी को रिवील करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। वहाँ तो लोगों पोस्टर फाड़ने नहीं आ गए, जब UK में सर भी थे, क्या तारीफ मिली, वहाँ जो लेडीज जितने भी एंकर थी उनकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि लोगों ने वहाँ फिल्म देखा है, टीजर नहीं देखा है, फिल्म देखा है। फिल्म देखने के बाद उनको समझ में आया कि ये फिल्म क्या कह रही है, क्योंकि ये फिल्म यही कह रही है, आपको बता दे, कमिंग सून 7 जून। जो इंटरनेशनल एक्नॉलेजमेंट मिला है फिल्म को, जिस तरह जिक्र भी किया वीरेंद्र जी ने, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, जो स्टैंडिंग ओवेशन मिला था और फिर लंदन में भी फिल्म को अप्रिशिएट किया गया, कैसा एक्सपीरियंस रहा वो? लोग जब लंदन में थे तो हम लोग करीबन 200-250 लोग थे फिल्म देखने वाले, और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, वहाँ के जो फीमेल ऑडियंस थे, मेल ऑडियंस थे, सबने स्टैंडिंग ओवेशन दिया फिल्म ख़त्म होने के बाद, और सबने बोला बहुत अच्छा आपने सोचा है, बहुत अच्छी सोच पे आपने फिल्म बनाई है, और ये हर जगह का प्रॉब्लम है हिंदुस्तान, इनफैक्ट जहाँ जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ का ये इशूज़ है कि पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है पॉपुलेशन कंट्रोल होना।
रिसोर्सेज क्योंकि हमारे पास बहुत सीमित हैं और जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शनिवास, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब हम ये फिल्म अब तैयार क्योंकि हो चुकी है, 7 जून को रिलीज भी होने वाली है, उससे पहले जो कहा कि पॉलिटिकल टाइमिंग को लेकर भी लोग सवाल उठाते हैं, 4 तारीख को नतीजे आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के, और उसको लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक देश के जागरूक नागरिक के तौर पर भी कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे वो चुटकुला बड़ा अच्छा लगता है कि कभी भी आप वोट देने जाओ तो किसी को कास्ट के हिसाब से वोट मत दो, क्योंकि आपको नेता चुनना है, जीजा नहीं। तो मुझे बहुत पसंद, एप्ट बात लगती है। तो उसी तरह आप जो है, ये फिल्म आपको एंटरटेन करेगी, आपको एंगेज करेगी, यही उद्देश्य होना चाहिए एक सिनेमा का। तो आप इसलिए जाओ, इसलिए मत जाओ कि ये इस तबके की फिल्म है या इस लुक को देख के या इस तरह के परिवार को दिखा रहे, इसलिए मत जाओ। एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को ये दर्शाती है फिल्म, जो हम सब की प्रॉब्लम है। ये मुसलमान के लिए नहीं, हिंदुस्तान के लिए सिनेमा है, ये बहुत ज़रूरी है, हमने उसी नीयत से बनाई है। और आप देखेंगे फिल्म तो आपको पता चलेगा कि सच में हमने इसलिए बनाई है कि इस समस्या को हम रेखांकित करें और इस समस्या का समाधान हम सब ढूंढें अपने अपने स्तर पर। आपने पहले सवाल के जवाब में कहा ना कि मैं बहुत सीनियर मोस्ट नहीं, आप एवरग्रीन हैं। तो इसीलिए अब अपने ही अंदाज में दर्शकों को बता दीजिए कि वो फिल्म क्यों देखे। अब हर लड़की आपको एवरग्रीन बोल रही है, सुबह से मैं सुन रहा हूँ। ये ठीक नहीं हो रहा है। धन्यवाद। लेकिन सही बात करूँ, बरसों पहले ऐसा ही एक वाकया हो गया था कि यहाँ पे मैंने कहा, यहीं दिल्ली में, तो शायद 62 साल का था, मैंने कहा आप सब लोगों की दुआ रही, प्यार रहा। मैं तब कुछ 5-7 साल पहले की बात है, तो आप लोगों का प्यार रहा, दुआ रही। तो 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मैं 63 साल का हो जाऊंगा, तो पीछे से एंकर थी, तो उन्होंने कहा नहीं जी, अन्नू जी आप तो दिल से जवान हैं। तो मैंने पीछे कहा, मैंने कहा सुनिए, मुझे एटर्नल यूथ सिंड्रोम कभी भी रहा नहीं, और कभी भी कोई शख्स अगर ये कहे कि वो दिल से जवान है, कभी भी कोई शख्स आपसे ये कहे कि वो दिल से जवान है, तो समझ लेना कि उस शख्स की जवानी बाकी सारी जगह से गायब हो चुकी है। मैटर फैक्ट बात ये है। तो मुझे कोई जवान रहने का कोई कीड़ा नहीं है, लेकिन जितने दिन तक रहूं, मैं स्वस्थ रहूं, अपने पैरों पर चलता रहूं, किसी पर बोझ नहीं बनूं, और मेरे जाने के बाद मेरे देशवासियों को, वो किसी भी कौम के, शर्म का एहसास ना हो, उनको लगे कि हाँ एक बंदा अच्छा था, चला गया, गए दिनों का सुराग लेकर, किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस, अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो, बस एक मोती सी छप दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, सितारा शाम बन के आया, बरंग खाबे सहर गया वो। तो ऐसे याद करना आप मेरे को। सो 7 जून को बराए मेहरबानी। देखो भैया एक बात बता दूं, अगर सवाल ये पूछा जाए कि क्यों देखें, हमारा काम इल्तिजा करना है, हमारा काम विनती करना है, हमारा काम रिक्वेस्ट करना है, हमारा काम दादागिरी नहीं करना है। वो दादागिरी वो करते हैं जिनके हाथ में पावर है, जो पॉलिटिशियन है। आपने देख लिया कितने अच्छे अच्छे वचन बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल साबित कर देते हैं कि आप हिंदुस्तान के पॉलिटिशियन हो, क्योंकि इससे ऊपर तुम नहीं उठ सकते हो, इससे नीचे ही जाके बताओ अब तो मुझे बताओ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए 7 जून को आ रही है पर्दे पर फिल्म हमारे बारह के कुछ अहम जो कड़िया है, मजबूत पिलर है, वो हमारे साथ इस समय हैं। हमारे साथ हैं अंकिता द्विवेदी, हमारे साथ हैं अदिति भटपहरी, डायरेक्टर कमल चंद्रा, थैंक यू कमल चंद्रा, और फिल्म के डायलॉग जिनको लेकर खलबली मची हुई है, आग लगी हुई है, डायलॉग राइटर सूफी खान। अंकिता आप मध्य प्रदेश से ही हैं? जी मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ। ये आपकी पहली फिल्म है? ये मेरी डेब्यू फिल्म है। डेब्यू, वो भी खतरनाक किरदार के साथ। खतरनाक किरदार के साथ, ऊपर से जिन किरदार के अगेंस्ट प्ले कर रही हूँ वो और खतरनाक है। बिल्कुल। कैसा रहा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो बहुत सुपर्ब था एंड ओवरवेलमिंग भी था, क्योंकि डेब्यू मूवी है एंड नेशनल अवार्ड विनिंग एक्टर के अगेंस्ट है, इतना इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। डायरेक्टर हमारे कमल चंद्रा सर ने मुझे इतना मतलब समझा कि इतना बड़ा कैरेक्टर दिया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। आदित्य जी, मैं इस फिल्म में, वो समझ गए कि मैं कंफ्यूज हो रही नाम को लेकर, तो उन्होंने कहा आदित्य बताओ आप क्या बना रहे, क्या किरदार है आपका? जी मैं अनु कपूर सर की सबसे बड़ी बेटी का किरदार प्ले कर रही हूँ, और जो घर में चल रही सारी प्रॉब्लम से फिर डिसाइड करती है कि अब लड़ना है।
तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही खूबसूरत था एंड चैलेंजिंग भी था, क्योंकि अपोजिट में लड़ना ही अनु कपूर सर के साथ है. तो बट बहुत मज़ा आया, हमने बहुत मस्ती की. और इस किरदार को निभाने के लिए मैंने उर्दू और काफ़ी सारा, मतलब उस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए मैंने काफ़ी रिसर्च किया एंड तो बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए. बहुत प्रिपेयर करना होगा ना. या आप सूफी, आप बताएं ये जो डायलॉग्स लिखने की हिम्मत कहाँ से आई आपको? मैं माइक ले लेता हूँ. आपने मेरे इंट्रोडक्शन में कहा कि आग लगा दी है डायलॉग ने. मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप फिल्म देखें तो आप ये महसूस कर पाएंगे कि ये आग घर जलाएगी या रोशनी फैलाएगी. तो और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कहानी है ये अपने आप में बहुत, ये हर फिल्म होते हैं ना, बहुत ज़रूरी है. ये फिल्म ज़रूरी नहीं, हमारे देश की ज़रूरत है. तो प्लीज़ देखिए, आप 7 जून को रिलीज़ हो रही है फिल्म. और जहाँ तक की बात है डायलॉग्स को लेकर चीज़ें हो रही हैं, मैंने जो कोट की है, जो एक आयत है, आयत नंबर 223 सूरह अल बकरा की जो आयत है, निसा हुकुम हरसुल लकुम फातु हरसुकुम अन्नाशी तुम वक़दिमुली अनफुसिकुम, ये पूरी आयत है. उसका हमने तर्जुमा पेश किया है कि तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ जैसे भी चाहो अपनी मर्ज़ी से खेती करो. हमने हूबहू जो आयत का तर्जुमा पेश किया, इंटरप्रिटेशन नहीं है, तर्जुमा है उसको लेकर, ट्रांसलेशन है उसको लेकर लोग मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी सारी कुरान, एक कुरान मजीद एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई तरमीम, कोई चेंजेस नहीं हो सकता. तो मैं कौन होता हूँ ये कि बदलने वाला, तोड़ मरोड़ के आयत पेश करने वाला. लोग गालियाँ दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है. उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उनकी टीम का था. उनको लग रहा है यार ये सूफी खान ऐसा कैसे कर सकता है. भैया मैं पहले हिंदुस्तान का हूँ, और जब मैं हज करने जाऊँगा ना तो मेरे पासपोर्ट पे मुसलमान नहीं लिखा होगा, इंडियन लिखा होगा. तो पहले मैं हिंदुस्तान का हूँ. कमल, मैसेज ये, जैसे अभी सूफी की बात से थोड़ा सा मैं और आगे बात बढ़ा देता हूँ कि जैसे आयत नंबर 223 की बात हुई है, तो उतना हमने रखा है. उसके आगे का जो टीज़र के अंदर पार्ट है वो एक इंसान की सोच है, वो आयत का पार्ट नहीं है. तो लोग क्या कर रहे हैं, जो थोड़ा सा नेगेटिव सोच है वो ये सोच रहे हैं कि हमने आयत के बारे में ऐसा कहा है. हमने आयत के बारे में ऐसा नहीं बोला है. आयत बस वही है कि जो उसका ट्रांसलेशन वहीं तक, उसके आगे की जितनी हमल की बात है, चाहे किसी इंसान की सोच की बात है, फर्मा बरदारी की बात है, वो एक पर्टिकुलर इंसान की सोच है, वो कुरान शरीफ का पार्ट नहीं है. तो प्लीज़ उसको एक अलग तरीके से ना देखें, ये मेरा कहना है. और देखिए, बता दिया फिल्म के स्टार्स ने, अपने एक्सपीरियंस बयां कर दिया. नीयत क्या है, नीयत जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो बता दी है. और ये कह भी रहे हैं कि 7 जून को फिल्म ज़रूर देखिए. तो ज़रूरी नहीं, ज़रूरत है, फिल्म देश की ज़रूरत है. तो 7 जून को आ रही है फिल्म हमारे 12. इन स्टार्स कह रहे हैं, यूनिट कह रही है, पूरी फिल्म की पूरी टीम कह रही है कि फिल्म देश की ज़रूरत है, तो ज़रूर देखें.